वेलकम स्टूडेंट बेटा, आज क्लास टू का जो फर्स्ट लेक्चर है, आज फर्स्ट डे और फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं सोचता हूँ जो आज का जो फर्स्ट लेक्चर है, तो इस लेक्चर में क्यों ना हम एक ऐसा काम करें जिससे हमारे जो है बेनिफिट है, जो हमारा बेनिफिट है वो 10 गुना बढ़ जाए, 10 गुना बेनिफिट बढ़ जाए ओनली वन वीडियो। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक ऐसा सम करेंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर में 6 मार्क्स का आने वाला है। डेफिनेटली श्योर है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, हर बार आ रहा है, कंटिन्यूसली आ रहा है, तो इस बार भी जब भी एग्जाम होंगे तब भी ये 99% जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो देख लेते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर का है, कैसे करना है, तो इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में हम जान लेते हैं। बेटा ये प्लस टू के मैथ का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, जिसका नेम है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप विद इन 5 या 7 मिनट्स में ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में अटेम्प्ट भी कर सकते हो। तो इसको कैसे स्टार्ट करना है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने प्लस वन में जो है कंस्ट्रेंट को ग्राफ पे ड्रा करना सीखा अच्छे से, तो आप इसको भी ड्रा कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसका आपने ग्राफ ड्रॉ करना होता है, आप ये ग्राफ बना लो, इसका आपने ड्रॉ करना है ग्राफ प्लेन पे। कैसे ड्रॉ करते थे, यहाँ एक्स, यहाँ जीरो, एक्स जीरो वाई फाइव आ जाएगा, वाई जीरो एक्स टेन आ जाएगा। बोलो यहाँ अगर हम 5 लगा दें और यहाँ हम 10 लगा, ये क्या हो जाएगा 10 0, ये क्या हो जाएगा 0 5। तो इसका जो है ग्राफ बन गया हमारे पास, ये वाला बन गया। अब देखो ग्राफ तो आपके पास बन गया, ग्राफ तो आपके पास बन गया, इसको ए पॉइंट नाम दे दो और इसको बी पॉइंट नाम दे दो। लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर आपने ये इक्वेशन लिख देनी है, ये कौन सी इक्वेशन है, यहाँ आप लिख दो ये कौन सी इक्वेशन है, एक्स प्लस टू वाई लेस देन इज इक्वल टू जीरो। अब इसका फायदा क्या है लिखने का, बेटा इसमें तो कंस्ट्रेंट 2 है, चलो काम चल जाएगा। कई ऐसे सम आएंगे जिसमें 3 या 4 कंस्ट्रेंट होंगी, तो वो जब मिक्स होगी तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सी लाइन कौन सी कंस्ट्रेंट की है। तब आप तो इसको निशाने के लिए आप इस पर लिख देना, जो आप भी आप कंस्ट्रेंट बनाओगे ये इसकी कंस्ट्रेंट है, तो उसको नाम देना भी जरूरी है। इसको ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट आप नाम दे दिए बस। अब जब भी इनक्वालिटीज आ जाती है तब आपने डायरेक्शन बतानी होती है, इसकी डायरेक्शन कौन सी है। अगर आपको नहीं आती डायरेक्शन बतानी, तो आप, मैंने प्लस वन की वीडियो डाली है लीनियर प्रोग्रामिंग की, तो आप वो देख लेना, उससे आपको ये समझ आ जाएगा कैसे इसकी डायरेक्शन बतानी होती है। आपको इसमें सेटिस्फाइड करवाना होता है 0 0 0 0 सेटिस्फाइड कराओगे, इसमें 0 0 भरोगे तो कंडीशन देखो क्या सेटिस्फाइड कर रही है। एक्स की जगह 0 भरोगे और वाई की जगह 0 भरोगे। 0 छोटा होता है 10 से, क्या ये पॉसिबल है, 0 छोटा होता है 10 से, बिल्कुल पॉसिबल है ये, यस है। अगर इसको सेटिस्फाइड कर गया तो इसकी जो है डायरेक्शन है वो ओरिजिन की तरफ आ जाएगी, ओरिजिन की तरफ इसकी डायरेक्शन है। अब बारी आती है सेकंड कंस्ट्रेंट की, सेकंड कंस्ट्रेंट इसका भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मेरे पास जगह कम है तो मैं तरह ड्रॉ कर सकता हूँ, आप कॉलम बनाकर ड्रॉ कर लेना अच्छे से, ताकि आपको जो है चेक करने वाला जो होएगा, जो भी एग्जामिनर, उसको कोई परेशानी ना आनी पड़े। तो एक्स 0 वाई 15 आ जाएगा, वाई 0 एक्स क्या आ जाएगा 5। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करो तो आप क्या बनेगा, यहाँ कौन सा पॉइंट था, यहाँ लिख दिया करो ये पॉइंट है 0 5, ये पॉइंट है आपका 10 0, ठीक है। तो आगे जो है 0 15 यहाँ पे आ जाएगा कुछ, 0 15 इसको सी नाम दे दो। आगे 5 0, अगर 10 यहाँ है तो 5 यहाँ ही होगा, ठीक है, इसको आप यहाँ ड्रॉ कर दो, कर दिया ड्रॉ। इसको नया नाम दे दो, इसको नया नाम हमने दे दिया डी का। अब इसकी डायरेक्शन बतानी है, इसकी डायरेक्शन कहाँ आ रही है, इसको अगर आप 0 0 सेटिस्फाइड कराओ, इस पर भी जगह 0 भरोगे, वाई की जगह 0 0 छोटी होती है 15 से, क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, यस आ गया। तो इसकी डायरेक्शन भी ओरिजिन की तरफ आ, तो मुझे ये बताओ इन दोनों आगे पहले चल, एक्स 0 से बड़ा, एक्स एक्स की ये लाइन होती है, 0 से बड़ी लाइन इधर जाएगी,
जीरो से बड़ी लाइन जो कि राइट साइड जाएगी, तो इसका ग्राफ ये हो गया, जीरो से बड़ा एक्स, जीरो से बड़ा यही हो जाएगा, वाई जीरो से बड़ा ऊपर जाएगा। तो मुझे बताओ सभी का कॉमन पोर्शन कौन सा है, सभी का, सभी कंस्टेंट का कॉमन पोर्शन ढूंढना होता है, वो क्या है? यही है कॉमन पोर्शन, ये सभी का कॉमन पोर्शन है ना। तो इस पोर्शन के ना आपने कॉर्नर पॉइंट यूज करने, लिखो बाय कॉर्नर मेथड, बाय कॉर्नर मेथड। ये कॉर्नर मेथड क्या है? जो भी आपका शेडेड एरिया आएगा, जो कॉमन शेडेड एरिया आएगा, कॉमन शेडेड एरिया के कॉर्नर पॉइंट आपने नोट करने हैं कौन कौन से हैं। देखो कॉमन शेडेड एरिया हमारा ये है, इसके कॉर्नर पॉइंट देखो, इस पर कोई पॉइंट नहीं है तो इसको हम ई पॉइंट दे देते हैं एक बार। तो इसके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं? एक तो है ए, एक ए पॉइंट है, वो क्या है? 0.5। एक आपका कॉर्नर पॉइंट है ओ, जिसको ओरिजिन बोलना है उसको बोलेंगे 0.0। एक आपका कॉर्नर पॉइंट है डी, वो क्या है? 5.0। एक आपका कॉर्नर पॉइंट है ई, जो हमें पता नहीं, ये हमें नहीं ई पता ये कौन सा पॉइंट है। हमने चारों कॉर्नर पॉइंट इसके ढूंढ लिए। अब हमने देखना है इन चारों कॉर्नर में जो आपका जो ये सब्जेक्ट है, जो जेड की वैल्यू है, ये किस पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू दिखा रही है, यही हमने क्वेश्चन में करना है। तो वो ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें ई ढूंढना पड़ेगा, ई की वैल्यू क्या है। अब देखो ध्यान से ई कैसे फाइंड करना है। ई देखो, ई किसका कॉमन पॉइंट है? एक तो इस लाइन का, ये लाइन कौन सी है? मैंने बोला आपको नोट कर दिया करो, ये लाइन है आपकी 3x + y < 12। ये इसकी और इसको, इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, मतलब इन दोनों को सोल्व करके कौन सा पॉइंट निकलने वाला, ई का। ध्यान से देखो ना, इस लाइन को और इस लाइन को, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं, इन दोनों को सोल्व करके हमारा ई पॉइंट आ सकता है। तो इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं साइड में, जैसे हमने 10th में सीखा है सोल्व करना, 3x + y = 15। यहाँ इक्वल टू का साइन सोच लो एक बार, यहाँ भी इक्वल टू सोच लो, x + 2y = 10। इसको 3 से मल्टीप्लाई की तो ये क्या बन जाएगा, 3x + y = 15, 3x + 6y = 30। इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -5y। यहाँ क्या आ जाएगा, -5। वाई की वैल्यू 1 आ गई, वाई की वैल्यू 1 यहाँ भरोगे तो एक्स, y की वैल्यू 1 भरोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, x + 2 = 10। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 8 आ जाएगी। ध्यान से देखो हमने क्या किया है, इसको इलेमिनेशन मेथड से सोल्व करने की कोशिश की है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, इसमें कुछ गड़बड़ है लगकर, इन दोनों को इलेमिनेशन मेथड से जब सोल्व करोगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई की 3x हो गया, यहाँ इसको 6 हो गया और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 30। यहाँ गड़बड़ हो गई तो इसको सोल्व करके यहाँ क्या आ जाएगा, -15 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। y की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, 3। y की वैल्यू 3 यहाँ पुट करोगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3x + 3 = 15, 3x = 12, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4। x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई और y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3। तो x 4 और y क्या आ गया आपके पास, 3। तो आपका e पॉइंट भी आपने निकाल लिया कौन सा है, 4 और 3। तो 4 आपने कॉर्नर पॉइंट ढूंढ लिए कौन कौन से हैं, तो इसको अब आपने मैक्सिमाइज ढूंढना है, किस पॉइंट पे ये मैक्सिमाइज है। तो वो कैसे ढूंढना है वो आप देखो, मैं इसको रेज कर देता हूँ थोड़ी स्पेस कम में, तो आप रिवाइंड करके देख लेना। पहला कॉर्नर पॉइंट मेरा क्या है, 0.5। पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है, 0.5। इस पर मैं जेड चेक करता हूँ कि ये क्या वैल्यू बनाएगा, एक्स की जगह 0 भरोगे और वाई की जगह आप 5 भरोगे तो जेड की वैल्यू 10 आ जाएगी, 10 आ जाएगी ए 0.5 भरने से आ गई। अगर मैं डी इसमें ओ पॉइंट भरता हूँ 0.0 तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर इसमें पॉइंट में भरता हूँ D कौन सा पॉइंट है, 5.0, तो जो Z है Z क्या आएगा, 15 आ जाएगा। अगर इसमें मैं पॉइंट भरता हूँ E क्या है हमारा, 4.3, तो Z क्या आ जाएगा हमारे पास, X की जगह 4 भरेंगे भरोगे तो ये 12, Y की जगह 3 भरोगे तो 6, तो ये क्या आ जाएगा, 18। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू Z की है 18। तो किस पॉइंट पे 18 आ रही है, E पॉइंट पे। तो E पॉइंट में आपने लिखना है E मैक्सिमम
जब भैया आप ये सब निकाल लोगे तो आपने क्या लिखना होता है, मैं अरेंज कर देता हूँ, आप लिख लेना एंड में आपने क्या लिखना है, मैक्सिमम मैक्सिमम एट पॉइंट ई इज कितना वैल्यू आ रही है ई पे, जेड इज इक्वल टू 18। तो ये आपका इसमें आंसर आ गया, ऐसे ही आपने ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो आपको लगता है आई थिंक आपको समझ तो आ रही होगी, इसको आप वीडियो को रिवाइंड करके बिल्कुल ध्यान से हल्के में इसको क्वेश्चन को मत लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है। ये तो चलो इसमें दो कंस्ट्रेंट थी, कई क्वेश्चन है जिसमें तीन आएंगी चार आएंगी, तो बेसिकली हम इसको दो पार्ट्स में करेंगे, और आज के लेक्चर और कल के लेक्चर में। तो आज हम दो कंस्ट्रेंट वाले सम करते हैं, जिसमें दो कंस्ट्रेंट हैं उसको कैसे सोल्व करना है, और जिसमें तीन है उसको कैसे सोल्व करना है। एक सम हम और करके देखते हैं, उससे हम और क्लियर हो जाएगी बात हमारी। तो मैं इसको रेज कर देता हूँ, देखो ध्यान से आगे क्या मैं बोल रहा हूँ। हमारे पास क्या है, z की वैल्यू है मेरे पास, z मैं इस बार लिख रहा हूँ -3x + 4y, और मैं कंस्ट्रेंट लिख रहा हूँ x + 2y लेस देन इक्वल टू 8, और दूसरी कंस्ट्रेंट है मेरे पास 3x, यही लिख देता हूँ 3x + 2y लेस देन इज इक्वल टू 12। आगे क्या है, x क्या है ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0। तो इसका आप ग्राफ ड्रो करो, कैसे आप ग्राफ ड्रो करना, सबसे पहले इसका बॉक्स तैयार करो, इसका मैं बॉक्स तैयार करता हूँ, कैसे तैयार करता हूँ, x0 करोगे y4 आ जाएगा, y0 करोगे x8 आ जाएगा, इसका आप ग्राफ ड्रो करो, x0 y4 यहाँ आ जाएगा 04, x8 y0 8 यहाँ पे आ जाएगा कुछ। तो इसको मिला करके ये मैंने कंस्ट्रेंट ड्रो की, इस कंस्ट्रेंट का मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, का नाम भी लिख देता हूँ, ये कौन सा x + 2y। अब इसकी डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन बताने के लिए आप ओरिजिन से पूछते हो, ओरिजिन को इसमें सेटिस्फाइड कराओ 0 0। अगर इसमें आप 0 0 भरोगे तो 0 < 8, 0 छोटा होता है लेस देन 8 से, मतलब ये कंडीशन यस है या नो, ये कंडीशन बिल्कुल यस है। अगर यस है तो इसका ग्राफ जो है ओरिजिन की तरफ आएगा, ठीक है। आगे आप सेकेंड कंस्ट्रेंट ड्रा करो, मैं इसको रेज कर देता हूँ। सेकेंड कंस्ट्रेंट मैंने ड्रॉ की ये वाली, कैसे ड्रॉ करेंगे, x0 करोगे तो y6, y0 करोगे x4 आ जाएगा, x0 y6 यहाँ आ जाएगा कुछ, यहाँ c नाम दे दिया, x4 y0 4 यहाँ 0 यहाँ आ जाएगा। इसको मैं अगर ड्रॉ करूँ तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी। तो इसकी जो कंस्ट्रेंट है वो है 3x + 2y < 12। तो अब हमें इसकी जो है डायरेक्शन बतानी है, कौन सी डायरेक्शन है, इसका भी आप अगर 0 0 भरोगे तो 0 < 12, क्या ये यस है या नो, मतलब तो सेटिस्फाइड है या नो, बिल्कुल यस है। अगर यस है तो इसकी कंस्ट्रेंट है जो ओरिजिन की तरफ आएगी। अब क्या है, x > 0, x 0 से बड़ा तो इधर जाएगा, y 0 से बड़ा ऊपर जाएगा, तो इसका जो कॉमन शेडेड एरिया तो यही तो है, ये इसका कॉमन शेडेड एरिया आ चुका है। कौन कौन, तो इसके कॉर्नर पॉइंट आपने नोट करने हैं कौन कौन से, यहाँ भी ई पॉइंट नाम दे, तो मैं यहाँ कॉर्नर पॉइंट नोट कर लेता हूँ कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट है मेरे पास। लिखो बाय कॉर्नर मेथड, इसके कॉर्नर पॉइंट नोट करो, ए है 0 4, बी तो कोई नहीं है 0 0, एक ओरिजन है, एक आपके पास यहाँ कोई इसको नाम नहीं दिया, इसको मैम डी का नाम दे देते हैं, डी के आपके पास 4 0, और ई आपने फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है, कौन कौन से कंस्ट्रेंट को, इस कंस्ट्रेंट को और इस कंस्ट्रेंट को सोल्व करके। तो इन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं, x + 2y = 8 है और 3x + 2y = 12। तो ये सोल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, -2x - 4x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू अगर 2 भरोगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, x 2 भरोगे तो y कितना आ जाएगा 6। अगर आपने चेक करना हो तो इसको इसमें फिल करके चेक कर लिया करो, तो e हमारा क्या बन गया 2 और 3।
ई पॉइंट भी हमने इन दोनों को सोल्व करके निकाल लिया कि आएगा हमारे पास 2 और 3। तो इससे हम इसकी ना जेड की वैल्यू चेक कर लेते हैं कौन कौन सी है। अगर हम ए पॉइंट भरते हैं इसमें x0 y4 भरते हैं तो जेड क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अगर हम 0 0 भरते हैं तो 0 वैल्यू आएगी। अगर हम 4 0 भरते हैं तो -6 -12 आ जाएगा। अगर 4 0 भरोगे x की जगह 4 भरोगे, 4 y की जगह 0 भरोगे तो क्या वैल्यू आएगी -12 आएगी। अगर x की जगह -2 भरोगे तो -6, x की जगह 2 भरोगे तो -6 आ जाएगा, y की जगह 3 भरोगे तो ये 12 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। तो किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम अपनी वैल्यू दिखा रहा है? ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऐसे आपने ये क्वेश्चन करने हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपको जो है क्वेश्चन की वर्कशीट सेंड कर दूंगा, तो आप ट्राई कर लेना। ओके।